दोस्तों, सब लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई ब्लॉग बना रही हूँ यूट्यूब पर। वैसे मैं बस शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करती हूँ, और ये ब्लॉग बनाने का मेरा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कैसे जाहिर करूँ, कैसे, यानी कि इतनी खुशी हो रही है। मैंने ब्लॉग बनाने के लिए सोचा, और मुझे जो केदारनाथ जाने की खुशी हो रही है, आप लोग भी समझ सकते हो कि जब केदारनाथ, मतलब भोलेनाथ बाबा बुला रहे हैं तो कितना अच्छा फील हो रहा होगा। मैं बताऊँ, बाबा ने हमें बुला रहे हैं केदारनाथ और हम जा रहे हैं। तो गाइस, यही मेरा है कि मैं और मेरे हस्बैंड। सो गाइस, मैं आपको पूरा केदारनाथ का जो भी मुझसे ब्लॉग बनेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आपको केदारनाथ बाबा, मेरे भोलेनाथ बाबा के दर्शन जरूर कराऊंगी, अगर मेरे से बन पाई वीडियो, मैं अगर बना पाई। मुझे इतनी खुशी हो रही है केदारनाथ जाने की, मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को। चलिए गाइस, अब मैं रेडी करती हूँ सामान। तो देखो मैंने कैसी, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ पेंटिंग, ये देखिए। ये देखिए मैंने खोल दी है अपनी स्टैची, अपने ये मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे अभी पैक करने हैं। एंड चलिए मैं अब फटाफट पैक करती हूँ और फिर। हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग केदारनाथ के लिए निकल गए हैं, और अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। ये देखिए, ये मेरा भाई है, और ये तो मेरा बेटा है, और ये मेरे हस्बैंड है। तो हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए, और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है पता नहीं, समझ नहीं सकते आप लोग, मतलब मैं अभी ये ना बयान नहीं कर सकती। तो केदारनाथ जी लेके जा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरा इतनी जल्दी ये वाला ड्रीम भी कंप्लीट होने जा रहा है। सो गाइस, चलो मैं आपको जैसे जैसे लेके चलो, चलिए अभी के लिए बाय। सो गाइस, हम लोग केदारनाथ जाने के लिए इतने एक्साइटेड, पेट्रोल डलवा रहे गाड़ी में, हम अपनी ही गाड़ी, वो भी हम अपनी ही गाड़ी से जाएंगे, कर पाएंगे ना, वही है ना। तो गाइज, हमने सोचा कि ड्राइवर कर लेते हैं, तो हमने ड्राइवर कर लिया है, अब हम उन ड्राइवर को 5 बजे तक पिक कर लेंगे, फिर वो हमारे साथ होंगे, फिर हम अपना जाने का, मतलब हम जैसे ही जाते रहेंगे, कहीं भी रुकेंगे या फिर हम कहीं अच्छे व्यू पर रुकेंगे तो हम आपको अपना दिखाएंगे कि हम कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं। तो कैसे हो बस सब लोग? केदारनाथ जाने के लिए बहुत अच्छा। ओ निकी, तू बढ़िया, बेस्ट। ओके गाइस, चलिए ठीक है, अब हम बाद में मिलते हैं, बाय। यहाँ से गंगा, इनके मिलन से गंगा बनती है, गंगोत्री आगे जाके मिल जाती है। हाँ, ये मिली, यहाँ मिल गई ना, संगम हो गया, यहाँ से गंगा बन गई आगे। दोस्तों, सब लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो मैं भी, मंदिर पहुंचने वाले, मतलब ये छोटा मंदिर है अभी, और ये माँ का मंदिर है, माता मंदिर, कोई गिरिधारी मंदिर कुछ करके है, मैं आपको पूरा नाम नहीं बता रही भाई अभी, क्योंकि ये नाम मैं अभी खुद भी नहीं पता मुझे कौन सा मंदिर है, मंदिर में जाते ही पता चलेगा, मंदिर के फ्रंट पर गेट पर, तो तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा टाइम। ठीक है, मिलते हैं अगले उसमें वीडियो में, फिर हम मिलते हैं।
ले लो माता का। राजीव गांधी जाना सबसे पहले, राजीव गांधी जाएगा उसके बाद हेलो गुड इवनिंग मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। सो तो मेरे होटल का व्यू दिख चुका है आपको, और अभी मैंने आपको अपना रूम का दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर सर्दी बहुत है, मतलब हमारे हरियाणा से तो ज़्यादा ही सर्दी है। कितनी सर्दी होगी अभी तो सिर्फ है हेलो दोस्तों, तो ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे रूम के बाहर का व्यू कितना सुंदर नज़ारा है। और अभी तो हम अपनी जन्नत में पहुँचे नहीं हैं, जब जन्नत में पहुँच जाएंगे तब तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने वाली हूँ मैं आप सभी को। आप लोग भी खुश हो जाओगे और मैं तो हूँ ही इतनी एक्साइटेड, बस पूछो मत ना मेरी एक्साइटेड को घर से ले। करने जा रहे हैं लंच, सॉरी डिनर। तो आप देख सकते हैं अब हम डिनर में क्या खाने वाले हैं क्या नहीं। वैसे तो हम हल्का कह रहे थे हल्का खाएंगे और कुछ भी हल्का नहीं है अभी आप देख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हो, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग चल रहे हैं पैदल, अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, अपनी जन्नत तक जा रहे हैं। और आप सब लोग कैसे, अच्छे होंगे गर्मी मेरी, ये देखिए नज़ारा। चलो हम चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे जाएंगे। और बस पेशेंस रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे का जाके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थोड़ा सा व्यू देख लीजिए व्यू। वो लूंगा ना झरना। वीडियो कंटिन्यू है, आ जाओ दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ा सा और देर है कि उसके बाद मैं, हम सब जो भी है मेरे साथ, हम सब अपनी जन्नत तक पहुँचने वाले, मेरा भाई मेरे। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ये देखिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और बस कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी जन्नत के पास। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखो। कितनी सर्दी है यहाँ पर, सर्दी है भी और ना भी, क्योंकि आखिर जन्नत महसूस कर रहे हैं जहाँ पर हम हैं, मेरे ड्रीम पैलेस, मेरा केदारनाथ, मेरे भोलेनाथ, ये सब। और पीछे देखो ये, सॉरी आगे देखो, मेरे पति देव जा रहे हैं जन्नत। देखो भी ये देखो, ये मेरे महादेव,
कितने पास और कितने सुंदर और कितने बस अच्छे, मतलब मैं इनके साथ इनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और मैं फाइनली यहाँ पर आ ही गई अपने बाबा केदारनाथ के पास। तो सब आप देख सकते हो, ये रे मेरे महादेव, और ये महादेव है, और ये बर्फ की चादर। हेलो हेलो सब यूट्यूब फ्रेंड्स मेरे, सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग केदारनाथ से चल दिए है, मतलब घर के लिए रवाना हो दिए। आप हमारा केदारनाथ मंदिर, और कैसा लगा मुझे यहाँ से दिख भी रहा है, कैसा लगा मुझे हाँ, दिख रहा है। और ये देखिए पूरा मंदिर दिखेगा, ये पीछे का है, पीछे का पूरा मंदिर है। और हमारा सरप्राइज कैसा लगा? और ये हमारा सरप्राइज था, जो कि मैंने काफी टाइम तक ऐसे रख रखा था, मन में बताने का मन तो था पर बता ही नहीं पा रही थी। दिखाते हैं, और बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर, जैसे जन्नत कहा है उससे भी, जन्नत से भी ज्यादा बढ़कर लगा। बहुत सुंदर व्यू, बहुत सुंदर मेरे भोलेनाथ का मंदिर, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे क्या मेरे। और फाइनली हम लोगों ने अपने केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए, जिससे कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, अभी तक भी मन कर रहा है कि मंदिर में ही बैठे रहो। चलिए तो ये देखिए सब लोग अभी भी लाइन लगी हुई है। तो हम लोग ने सुबह ही 3 बजे से हम लोग लाइन पर लग गए थे, और मैं लाइन पर लगने के बाद हमारे 6 बजे दर्शन हो गए, बस दर्शन हो गए, शांति मिल गई हम लोगों को। ये देखिए चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई साहब हमें इधर नहीं जाना अपने घर के लिए।